नमस्कार, मैं चेतना। आलिशान गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, इसका नाम है बोस्टन फर्न। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, देखिए, लश ग्रीन प्लांट। देखिए ये प्लांट आपके गार्डन को चार चांद लगा देता है, इसकी ग्रीनरी देखते ही बनती है। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। इस प्लांट को लगाने के लिए जब आप सॉइल बनाते हैं तो उसमें आप 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और जो रेस्ट है उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर, इसमें पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, चाय की पत्ती आदि, मतलब मटेरियल बना मिलाकर मिक्स करके अच्छा सा ऑर्गेनिक मैटर बनाएं, रिच खाद वाली मिट्टी बनाएं और इस प्लांट को लगा दें। लगाते वक्त इसकी मिट्टी बहुत हेल्दी बनाएं, इससे ये प्लांट अच्छे से फ्लोरिश करता है। देखिए इसे बार बार फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, साल में आप इसे 2-3 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं और आप इसे लिक्विड कंपोस्ट या लिक्विड खाद जो होती है वो आप इसे कभी कभी दे दें, इसी से ये प्लांट अच्छे से फ्लोरिश होता है। वाटरिंग की बात की जाए तो इसे रेगुलर इंटरवल्स पे वाटरिंग करते रहें, ये नहीं है कि आज दे दिया, 2 दिन नहीं दिया, कभी दे दिया कभी नहीं दिया। रेगुलरिटी पे ये प्लांट आपका पानी मांगता है, जब भी सूखा दिखे तभी पानी दे दीजिए। गर्मी में तो आप इसे 2 बार ही पानी दें और इसके पास ऐसे ये एक देखिए स्प्रे बोतल रखें और निकलते बढ़ते जब भी आप देखें ऐसे मिस्टिंग करते जाएं, निकलते बढ़ते। देखिए इससे ये प्लांट बहुत खुश रहता है, मॉइस्चर बनी रहती है इसमें और ये प्लांट खुश रहता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे आप ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, धूप में नहीं, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में। ये अंधेरे में भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाता है लेकिन छाया में, ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट में बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छा फ्लोरिश होता है। प्रोपोगेशन की बात की जाए तो जब आपका ये प्लांट पूरी तरह से, देखिए जब आपका गमला पूरी तरह से भर जाए, इसे निकालिए और रूट डिवीज़न कीजिए, आपके प्लांट्स बन जाएंगे, नया प्लांट बना लीजिए। या फिर एरियल रूट्स, जैसे आपके स्पाइडर प्लांट में निकलते हैं, ये देखिए बेबी प्लांट्स निकलते हैं, हवा में इसकी जड़ें होती हैं, निकालिए। जैसे ये देखिए ये प्लांट है, इसकी एरियल रूट्स से निकाली और इसे लगा दी, इससे भी आपका नया प्लांट बन जाता है। देखिए इसे एक शैलो पॉट चाहिए, वाइड होना चाहिए लेकिन वो चौड़ा होना चाहिए, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती क्योंकि ये देखिए फुहारे की तरह फैलता है ये प्लांट। देखिए इसे बहुत छोटा सा पॉट अच्छा नहीं लगता, देखिए बहुत ज़्यादा मई जून का महीना जो होता है इसके लिए बहुत हार्श महीना होता है, उस महीने की गर्मी से बर्दाश्त नहीं होती, उससे बचाने के लिए हमें ये देखिए इस पर मल्चिंग करनी पड़ती है। जैसे आप राइस हस्क से मल्चिंग कर दीजिए, कोकोपीट से कर दीजिए, हम घर में खाने वाला नारियल लाते हैं उसके बालों से इसकी मल्चिंग कर दीजिए, और कुछ नहीं है तो कंकड़ पत्थर कुछ भी रख के उसकी मल्चिंग कर दीजिए, ठीक है। और एक और छोटा सा ट्रिक है इसको गर्मी से बचाने के लिए, देखिए ऐसे एक ट्रे के ऊपर पत्थर रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके ऊपर अपना प्लांट रख दीजिए, गर्मी होगी मॉइस्चर से पानी, गर्मी से पानी इवेपोरेट होगा, उससे आपके प्लांट पौधे को मॉइस्चर मिलता रहेगा, इससे इसकी जड़ें ठंडी रहेंगी और ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। इसे 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर परफेक्ट रहता है, इससे ऊपर का टेम्परेचर भी इसके लिए ठीक नहीं और इसे कम होता है तब भी ये प्लांट प्रॉब्लम में आ जाता है। देखिए आजकल जैसे बरसात का सीज़न है वो इसके लिए परफेक्ट सीज़न है, हर चीज़ इसके अनुकूल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ इस सीज़न में ये बहुत अच्छे से फ्लोरिश होता है। देखिए सर्दी में भी अच्छा है लेकिन टेम्परेचर जब 15 डिग्री से नीचे जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत मानता है ये प्लांट।
दो। तो लगाइए इस प्लांट को, इंजॉय कीजिए इसकी ब्यूटी का और अपने गार्डन को दीजिए एक अच्छा सा रिच सा लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।